के चलते पूरी तरह से बाजार बंद है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। हर तरह लोग अपने ही घरों में रहने को मजबूर हैं। इन सब के बावजूद गरीबों और असहायों के परिवार कोरोना के साथ साथ भूख से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके आगे रोजी रोटी का सवाल खड़ा हुआ है। इस लॉकडाउन में खाने की किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो, इसके चलते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन दुबे व जिन संस्थापक आशु ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो गरीब और असहाय हैं, उनको घर घर जाकर खाद्य सामग्री देने का कार्य किया है। इसी क्रम में मैनपुरी के देवपुरा बस्ती में भी ऐसे 50 से अधिक परिवारों को चिन्हित किया गया है, जहां खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि किसी को भी इस लॉकडाउन के चलते भूखा ना सोना पड़े, भाई इस तरह से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर कोरोना वायरस ना है तो WHO द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि जनता के साथ साथ समाज सेवी और पत्रकारों का भी घर है, परिवार है। खुद की सुरक्षित रहते हुए लोगों के बीच जाएं और मदद करें। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। दिन है मैनपुरी में जो ना गरीब तबका के लोग उनकी जो ना आगे रोजी रोटी का सवाल जो है, भूख से भी लड़ रहे हो, कोरोना से भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में समाज से भी किस तरह की मदद कर रहे हो और आपने कितने परिवारों को आज मदद दिया है? देखिए, कोई काउंट नहीं किया गया है। हम लोगों ने लिस्टें बनाई हैं अलग अलग क्षेत्रों से जी। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो हम हों या हमारे प्रिय छोटे भाई आशु हों, इनकी अपनी ये एक जिम के संस्थापक हैं, ये जी क्या नाम है, फिटनेस फ्रिक्स जिम के संस्थापक हैं ये। हम जो कर रहे हैं वो क्षेत्रों में जाके ये देख रहे हैं कि जो बेहद गरीब परिवार हैं, जो बिल्कुल मोहताज हैं रोटियों के लिए, मतलब इसका कोई दुरुपयोग भी ना हो और सही व्यक्ति तक राशन पहुंचे, ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैं अपने युवा समाज सेवियों से कहना चाहता हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बेहद गौरव भरा विषय है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की आलोचना की आप चिंता मत करिए, लेकिन तीन चार बिंदुओं को जरूर बहुत ध्यान से सुने मेरे साथी। मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों से कि इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। पहला तो जब भी वो निकलें तो अपने चेहरे पर बहुत एक स्तरीय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, हाथों पर दस्तानों का इस्तेमाल जरूर करें, जेब में सैनिटाइजर अवश्य रखें, जब भी वो दस्ताने उतारें तो तुरंत उसे हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। दूसरी बात, जिन कपड़ों को पहन के निकलते हैं घरों से, जब वो घर पर दोबारा पहुंचे, चूंकि परिवारों में बच्चे हैं, हम समाज सेवियों का भी परिवार है, हमें अपने बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। मेरी 3 साल की बच्ची है, मुझे उसे गोद लेने में आधा घंटा लगता है घर पहुंचने के बाद। उसका कारण यह है कि WHO के द्वारा बताए हुए जो नियम हैं, या आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो बता रहे हैं, मैनपुरी के स्तर पर अगर बात करें, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जो नियम बता रहे हैं, उन नियमों का और WHO के नियमों का पालन करते हुए समाज सेवा करें। इस तरह की समाज सेवा न करें कि उससे फायदे की जगह नुकसान की तरफ समाज बढ़ जाए। मेरा ये निवेदन जरूर है, समाज सेवा की भेड़चाल में कोई भी अव्यवस्था न फैल पाए, ये सुनिश्चित करना हमारे समाज सेवियों का दायित्व बनता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.